गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा जांगिर। तो आज हम बात करेंगे देखिए टीवीएस जुपिटर की प्रोस एंड कॉन्स की, मतलब इसमें अच्छी बातें और बुरी बातें। तो सबसे पहले आप ओवरव्यू देख लीजिए इसका। 2018 मॉडल है टीवीएस जुपिटर, उस टाइम इसकी रेट 65,000 थी ऑन रोड। देख लीजिए आप एक बार ओवरव्यू। ओनली 12 या 13 हज़ार के आसपास चली, 11-12-13 हज़ार के आसपास 2-3 सालों में। ये इसका ओवरव्यू, ये देख लीजिए आप मीटर में 12,510 चली है। तो अब देखिए ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आप इसको लॉक कर सकते हैं जो भी सब स्कूट में आ रहा है। जो ये एक इसकी सही बात है, और ये हुक दे रखा है इसके अंदर, 3 किलो तक आराम से सामान आप इसमें टांग सकते हैं। और ये है ओपन करने का फ्यूल लिड, ये जरा फ्यूल लिड ओपन हो जाता है इसमें पहले से ही, एक्टिवा से पहले से दे रहे हैं इसमें जुपिटर के अंदर टीवीएस वाले। और ये बूट, एक्टिवा से बड़ा बूट है इसका, पुरानी वाली एक्टिवा से, इस वाली एक्टिवा से शायद बराबर है, पुरानी वाली एक्टिवा से थोड़ा बड़ा बूट है इसका, देख सकते हैं आप बूट साइज। इसमें आराम से बिग साइज हेलमेट आ जाता है। और ये 1 बार प्रेस करने के बाद होती है बंद, ऐसे रखने से नहीं होती बंद। और इसमें एक्टिवा से बड़ा टायर साइज आता है, देखिए 90-90-12 का है इसका टायर 12 इंच। और ये पीछे वाला टायर दोनों 12-12 के हैं, उसमें एक्टिवा 10 के आते हैं। और इसमें आगे देखा हो तो आपने इसमें शॉकर भी, क्या बोलते हैं, शॉकर है इसके अंदर जो उसमें जुपिटर में शॉकर नहीं आता। और ये एक्टिवा से ये खराबी है इसमें, ये आगे का ये प्लास्टिक है वो एक्टिवा में लोहे का आता है पूरा। और यहाँ पे जो स्पेस है वो एक्टिवा में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विथ जुपिटर। टायर साइज का एक्टिवा का छोटा है, और उसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी दूसरा आता है इसके अंदर, ब्रेकिंग सिस्टम बढ़िया आता है उसके बजाय। और ये देखिए मेरी में भी एक प्रॉब्लम आ रखी है जो कई दिनों से चल रही, नहीं तो बैटरी डाउन हो चुकी है, जो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, सेल्फ से नहीं हो रही, वो लीक हो रही है। आवाज़ सुन सकते हैं, ये वाइब्रेशन है इसके अंदर, तो इसका माइलेज एक्टिवा से सही बताता है, 40-45 का माइलेज देती है आपको, देख सकते हैं। वाइब्रेशन सुन ली होगी आपने। तो ये था इसका ओवरव्यू, मतलब इसमें जो जो मेन मेन हाइलाइट्स थे वो मैंने सब सारे हाइलाइट्स आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए गए हैं। इसमें आगे का जो बम्पर सा है बस उस वो है लोहे का, और पूरा प्लास्टिक का है, और ये साइड वाले पैनल लोहे के हैं बस ये। और ये देखिए राम पर रस्टिंग हो गई है इसमें स्टार्ट, इसमें इसके लोहे के कई पार्ट्स के अंदर रस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इसमें आज तक, बस एक बार फ्यूज उड़ गया था 2 रन की वजह से, तो वो हमारी मिस्टेक थी। नीचे देख लिया, नीचे प्लास्टिक का है एक्टिव, ये बढ़िया है बिल्ड क्वालिटी। तो ओके बाय।